The reporter desires to know. हॉस्पिटल में जितनी बड़ी भूमिका किसी भी डॉक्टर की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी नर्स की होती है। क्या आपने कभी कोई हॉस्पिटल देखा है जहाँ पे नर्स ही ना हो? या फिर आपने कभी किसी पेशेंट के बारे में ऐसा सोचा है किसी पेशेंट या रोगी की केयर बिना नर्स की हो सकती है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? आज हम इन्हीं नर्स के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। क्या आपको पता है इस दुनिया में नर्सिंग का जनक किसे माना जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए हम साथ मिलकर देखते हैं। नमस्कार, मैं रसिका और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें पूरी दुनिया में मॉडर्न नर्सिंग का जनक माना जाता है, इनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। उनका नाम उनके जन्म के शहर के ऊपर से ही उनके माता पिता ने रखा था। इनके जन्मदिन को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 1965 से इस दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जन्म मानवता की सेवा के लिए हुआ है और उन्होंने अपने माता पिता के सामने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने एक युद्ध के दौरान कई महिलाओं को नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया था। वह घायल सैनिकों को इलाज कर पाए इसीलिए। इसके साथ उन्होंने 1860 में सेंट थॉमस हॉस्पिटल और नर्सिंग के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना भी की थी। ब्रिटेन के इतिहास में फ्लोरेंस वह पहली महिला थी जिन्हें सेना में शामिल किया गया था। दिन भर फ्लोरेंस सैनिकों की देखरेख करती थी, साथ ही रात में हाथ में दिया लेके सैनिकों की सेवा करती थी। इसीलिए उनका नाम लेडी विथ लैम्प भी पड़ा था। पहले के जमाने में नर्सिंग के प्रोफेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, मगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की निष्ठा, लगन और अपने काम के प्रति डेडिकेशन की वजह से धीरे धीरे इस प्रोफेशन को भी महत्व दिया जाने लगा और सम्मान भी मिलने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक बात कही थी कि मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय इस बात को देती हूँ कि मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। इस छोटी सी लाइन से हम समझ सकते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। 15 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस का देहांत हुआ हार्ट फेलियर की वजह से। आज हम लोगों के बीच में फ्लोरेंस न होते हुए भी आज भी वो हमारे साथ ही है। हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पता नहीं था तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए द रिपोर्टर। द रिपोर्टर डिजायर्स टू नो।